तो हेलो भाई लोग, कैसे हो यार? उम्मीद करता बढ़े होंगे। वेलकम बैक टू मिनिक्स पार्टी। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं पबजी मोबाइल लाइट से रिलेटेड एक और न्यू इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियो लेके। और भाई लोग, इस वाले वीडियो में हम बात करेंगे बेयर हाउस के टॉप 5 सीक्रेट ग्लिच एंड ट्रिक्स के बारे में। अब दोस्तों, कुछ लोग कहेंगे कि भाई बेयर हाउस तो काफी कोने में है, उधर जोन जल्दी आ जाता है, उधर जाता ही कौन। तो देखो दोस्तों, शुरुआत में तो ज्यादा फायदा नहीं ले सकते, लेकिन अगर बेयर हाउस की तरफ कभी लास्ट जोन बचे तब ये सारे के सारे ग्लिच एंड ट्रिक्स आपके बहुत ज्यादा काम आ जाए। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाले फ्रेंड्स, तो प्लीज यार, आप सबसे दिल से रिक्वेस्ट है, वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट जरूर कर देना, क्योंकि दोस्तों हमारे इस चैनल पे पबजी मोबाइल लाइट से रिलेटेड ऐसे ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियो आते ही रहते हैं। तो प्लीज़ यार, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहले स्टार्ट करते हैं ग्लिच एंड ट्रिक्स नंबर 1 से। तो दोस्तों, अब जब भी पबजी मोबाइल लाइट में बेयर हाउस में उतरते हो तो आपने ये बड़ा सा गोदाम तो देखा ही होगा। दोस्तों, ये जो ब्लू कलर का जो गोदाम है, यहाँ पे बहुत बंदे उतरते हैं और लूटपाट भी करते हैं, बहुत लूट मिल जाती है। अगर आप चाहो तो दोस्तों, आप इसके अंडरग्राउंड भी जा सकते हो, मतलब इसके जमीन के अंदर जा सकते हो। जैसा कि दोस्तों अभी आप फिलहाल मुझे देख सकते हो कि मैं बिल्कुल इस जमीन के अंदर हूँ, और अंदर से बाहर का आप नज़ारा देख लीजिए दोस्तों, कितना अमेजिंग लग रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, आप अंदर से बाहर के बंदों को काफ़ी इजीली मार भी सकते हो, लेकिन कोई भी बाहर का बंदा ना तो आपको ढूंढ पाएगा और ना ही बाहर से अंदर आपको मार पाएगा। और अगर शुरुआत में आपने ग्लिच कर लिया तो भी आपके बहुत काम आएगा, और अगर यहाँ पे लास्ट जोन बनता और यह ग्लिच आपने कर लिया तब तो भाई चिकन डिनर तो आपको ही मिलेगा भाई, कोई भी आपके हाथों बच नहीं पाएगा। तो कैसे करते हैं ग्लिच, चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको बेयर हाउस के इस वाली साइड पे आना है। उसके बाद आपको इस नीचे वाले बॉक्स के पास आके खड़ा हो जाना, बिल्कुल इस साइड में। उसके बाद दोस्तों, सिंपल सा आपको यहाँ पे करना है जंप प्लस पंच, और ऐसा आपको बार बार करना है। और आप देखोगे कि एक बार अचानक से आपका आधा शरीर जमीन के अंदर चला गया। उसके बाद दोस्तों, आपको जल्दी से प्रोन हो जाना है, और देख सकते हो दोस्तों, आप बहुत ही अच्छी तरीके से जमीन के अंदर जा चुके हैं। उसके बाद दोस्तों, आपको अंदर से बाहर में खूब सारा एडवांटेज ही एडवांटेज मिलेगा। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा यह फर्स्ट नंबर ग्लिच, ये मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं नंबर 2 की ओर, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इससे बाहर कैसे निकलते हैं। तो सिंपल सा आपको क्या करना है, कहीं पे भी जाके आपको अपना सिंपल सा आपको अपना बैकपैक ओपन करना है, स्केट का यूज का बटन दबाना, और आप काफ़ी इजीली बाहर निकल जाओगे। तो दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि बेयर हाउस के यहाँ पे इस ओपन वाले एरिया में कभी कभी लास्ट जोन बन जाता है, और दोस्तों ऐसे में बंदे बहुत जगह इधर उधर छुपे रहते हैं, कुछ घासों में छुपे होते हैं, तो कुछ वो नीचे बान हाउस में छुप जाते हैं। तो कहीं भी छुप के आपको बड़े ही इजिली से यहाँ पे मार देंगे अगर आप यहाँ पे ओपन में रहोगे। तो दोस्तों, आपको चाहिए यहाँ पे एक बहुत ही सीक्रेट लोकेशन जहाँ पे आप अच्छे से छुप सकते हो, और साथ ही में वहाँ से आप इन जोन के सभी बंदों को मार भी सको। तो दोस्तों, इसके लिए आपको क्या करना है, आपको ठीक यहाँ पे आके खड़े हो जाना है। उसके बाद दोस्तों, आपको सामने एक पेड़ दिखेगा, आपको सिंपल सा पेड़ के ऊपर जंप कर देना है। आप काफ़ी इजीली दोस्तों पेड़ के अंदर चले जाओगे, और फ्रेंड उसके बाद कोई भी आपको यहाँ पे नहीं देख पाएगा और ना ही आपको ढूंढ पाएगा। और इंड जोन यहाँ पे बनता है दोस्तों, तो आप काफ़ी अच्छे से इंड जोन के सभी बंदों को मार भी सकते हो, और काफ़ी इजीली चिकन डिनर ले सकते हो। तो दोस्तों, कभी भी इंड जोन यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे तो आप ये वाला ट्रिक जरूर यूज करना, यकीन करो चिकन डिनर तो आपको ही मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं नंबर 3 की। तो दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि कुछ बंदे बेयर हाउस के पास, ये जो स्क्वाड हाउस है यहाँ पे बहुत ही हार्ड कैंप करना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग यहाँ सीढ़ियों के पास करते हैं, तो कुछ लोग इस रूम में करते हैं, तो कुछ लोग जो है बालकनी में लेटे रहते हैं स्टोल के या RPG लेके। और दोस्तों, जैसे हम सीढ़ियों से जाते हैं बेधड़क, तो भाई हमारी पेटी चमका देते हैं। तो दोस्तों, इस स्क्वाड हाउस वाले कैंपर को कैसे मारना है और उनसे कैसे बचना है, ये मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, आपको बेधड़क यूं ही सीढ़ियों से नहीं जाना है। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको फर्स्ट फ्लोर पे ही रहना है और यहाँ पे आ जाना है। उसके बाद दोस्तों, आपको सामने एक काठ का बॉक्स दिख रहा होगा, आपको जो है इस पर चढ़ जाना है, और मुंह जो है आपको दीवार के उस साइड करना है। उसके बाद दोस्तों, आपको अपना बैकपैक ओपन करना है, स्केट का यूज का बटन दबाना है, और बूम बाम गाइस, आप काफी इजिली स्क्वाड हाउस के सेकंड फ्लोर पे आ जाओगे। और दोस्तों, यहाँ से फिर आप सीढ़ी वाले कैंपर को काफी इजिली सरप्राइज अटैक देके उसको मार गिरा सकते हो। अब दोस्तों, कैंपिंग चाहे इस रूम में हो रही हो या फिर बालकनी में, कहीं भी कोई कैंप कर रहा हो, इस ट्रिक का यूज करके आप स्क्वाड हाउस के सभी कैंपर को काफी इजीली मार सकते हो, और उनके स्टॉल के और RPG भी कोई काम नहीं आएगी।
तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा ये थर्ड नंबर ट्रिक, ये मुझे कमेंट में जरूर बता। और हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो काफ़ी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक भी कर देना। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नंबर 4 की ओर। तो दोस्तों बेयर हाउस में जो बड़ा सा जो बेयर हाउस आपको दिखता है ये ब्लू कलर का, आपने देखा होगा कि यहाँ पे बहुत सारे कंटेनर है। अब इसी में से ये वाला जो कंटेनर है, आप चाहो तो इस कंटेनर के भी अंदर जा सकते हैं। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हो मैं इस कंटेनर में हूँ, और इस कंटेनर के भी अंदर से मैं बाहर के बंदों को काफ़ी इजीली मार सकता हूँ। आप देख सकते हो कि मेरी गोलियाँ बाहर की ओर लग रही है, सारी की सारी लग रही है। और ऐसे में दोस्तों कोई भी बंदा यहाँ पे आता है तो मैं काफ़ी इजीली उसकी पेटी बना दूंगा, चाहे वो स्टोल के वाला हो आरपीजी वाला। तो जाना कैसे है चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों उसके लिए सिंपली से आपको वही अंडरग्राउंड ग्लिच करना होगा जैसा कि मैंने शुरुआत में आपको बताया था। आपको यहाँ बॉक्स के पास आके जंप एंड पंच का बटन एक साथ दबाना है और आप अंडरग्राउंड काफी इजीली चले जाओगे। उसके बाद दोस्तों आपको जो यहाँ से रेंगते हुए यहाँ कंटेनर के पास आना है, ठीक उसके नीचे। उसके बाद आपको अपना बैकपैक ओपन करना है, स्केट का यूज का बटन दबाना और काफी इजीली दोस्तों आप कंटेनर के अंदर चले जाओ। और दोस्तों यहाँ से बाहर के बंदे को काफ़ी इजीली मार सकते हो। आप देख सकते हो बिल्कुल मैं कंटेनर के अंदर हूँ, कोई सोच भी नहीं सकता कि कोई बंदा कंटेनर के अंदर से भी हमें मार सकता है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा 4 नंबर ग्लिच, ये मुझे कमेंट में जरूर बताना। और अगर आपको यह ग्लिच पसंद आया तो प्लीज़ यार एक लाइक जरूर कर देना। तो चले दोस्तों बढ़ते हैं नंबर 5 की ओर, जो कि हमारा लास्ट है। अब दोस्तों आपने वेयर हाउस के पास यहाँ पे ढेर सारी गाड़ियाँ देखी होगी, जो 3 गाड़ियाँ हैं उनमें से ये जो बीच वाली गाड़ियाँ हैं, आपको इस बीच वाली गाड़ी के ठीक यहाँ पे नीचे आ जाना है। आराम से इसके नीचे चले जाइए, उसके बाद आपको सिंपल सा अपना बैकपैक ओपन करना, स्केट का यूज का बटन दबाना और काफ़ी ईजिली दोस्तों आप इस गाड़ी के बिल्कुल अंदर आ जाओगे। देखो एक बार में नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, आप फिर से कोशिश करना और आप देख सकते हो मैं काफ़ी अच्छे से इस गाड़ी के अंदर आ चुका हूँ। अब कुछ लोग कहते हैं कि पैर नीचे रह जाता तो गोलियाँ लग जाती, अब 2 बार करोगे ना तो काफ़ी अच्छे से ऊपर बैठ जाओगे। अब आप देख सकते हो दोस्तों मैं काफ़ी अच्छे से यहाँ पे गाड़ी के अंदर बैठ चुका हूँ। और दोस्तों आप सोचो अगर यहाँ पे लास्ट जोन बनता है तो भाई आपको कितना एडवांटेज मिलेगा। आप दूर दूर के बाहर के बंदों को काफ़ी इजीली मार सकते हो और कोई भी बंदा ना तो आपको देख पाएगा और ना ही आपको ढूंढ पाएगा, क्योंकि देख सकते हो दोस्तों मैं बिल्कुल गाड़ी के ड्राइविंग सीट पर आ चुका हूँ, मतलब गाड़ी के अंदर घुस चुका हूँ। और यहाँ से मैं बाहर के बंदों को काफ़ी इजीली मार सकता हूँ। तो दोस्तों ये वाला ग्लिच बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही औसम है, आपको इंड जोन में बहुत ज़्यादा काम आ जाएगा। तो आप रैंक पुश कर रहे हो तो प्लीज़ इस वाले ट्रिक का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा, आपको चिकन डिनर लेने में बहुत ज़्यादा काम आ जाएगा। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा यह 5 नंबर ट्रिक, ये भी मुझे कमेंट में ज़रूर बता। और हाँ दोस्तों यह वीडियो आपको कैसे लगी फ्रेंड्स, ये भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और टॉप 1 से टॉप 5 में आपको कौन से ट्रिक या कौन से ग्लिच आपको सबसे ज़्यादा बढ़िया लगी, ये भी मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो चलिए दोस्तों यही था आज का वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी हो फ्रेंड्स तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट जरूर कर देना, क्योंकि दोस्तों हमारे इस चैनल पर पबजी मोबाइल लाइव से रिलेटेड ऐसे ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियो आते ही रहते हैं। प्लीज़ यार चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी मैं आपसे मिलता हूँ अगले किसी और अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए।